कर ले सो द लास्ट वन मंथ विच इज लेफ्ट आफ्टर कैट इज नॉट ट्रबल समू गो फॉर जैट सो दिसक अबाउट दैट ओनली स्पेसिफिकली सो स्टे टून एंड अंडरस्टैंड इन वेल इन डेप्थ की हमें करना क्या है सो फॉर द कैट एक्सामिनेशन एंड जैट एक्सामिनेशन प्रिपरेशन टूगेदर दिस इज अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन आई गेट एवरी डे ऑलमोस्ट in my DMs so I want to take this up and before I give you the actual uh, you know differences or similarities I'll give you the conceptual information that means I am not going to tell you about exact pattern because that information is quite easily available on internet you can anytime any go and find that out or solve a previous year paper and find out how many questions subjects. subject what is more important to understand is what is the emphasis placed upon

मोस्ट टफेस्ट सो यस एल के लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है क्या करना है वो सब कुछ तो हम डेफिनेटली कंसिडर करने वाले हैं बट इस वीडियो में सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर साथ में लेके चलना है तो हमें जानना होगा कि उन दोनों चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है तो डिफरेंसेस ये है कि इम्फेसिस कैट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल एबिलिटीज और क्वान्टिटेटिव या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा सॉल्व करने पर होता है वहीं अगर हम जैड की बात करें तो जैड का मेजर फोकस जो है वो उसका स्कोप काफी ज्यादा ब्रॉड है इट डजेंट वॉन्ट टू बी गुड एट ओनली वन ऑफ द थिंग्स लाइक एल आर डी आई पे अच्छे हो गए तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा दैट्स नॉट द केस ह्योर ऑफकोर्स वी नो अ स्पेशल सेक्शन कॉल एज डीएम बट अगर हम डीएम को साइड में रख दे तो द अदर सेक्शंस लाइक द वी ए आर सी पार्ट और द क्वांट्स पार्ट इज ऑल्सो शोइंग सम एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एवरी टाइम यू रीड अ क्वेश्चन

को मिलेंगे कंपेयर टू कैट इसका मतलब है कि कैट ऐसा नहीं है कि कैट ये चाहता है कि मेरे थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अगर ग्रामर अच्छे से नहीं आता या वोकैबुलरी उनकी अच्छी नहीं है देन आल्सो आई विल सेलेक्ट देम दैट्स द बिगेस्ट मिथ गाइस इवन इफ यू आर सिलेक्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने ग्रामर और वोकैबुलरी पे इक्वली काम करो क्योंकि अगर सिर्फ वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते बट इनडायरेक्टली वर्बल में आपको उसका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा इफ यू आर गुड एट दैट एंड एट द सेम टाइम रिमेंबर कि सिर्फ इस एग्जाम को क्लियर करना आपका एम नहीं है आपको जीडीपीआई डी राउंड भी क्लियर करने हैं एंड इसके लिए जरूरी है कि आप ओवरऑल अपने प्रिपरेशन को सॉलिड रखो तो ये तो कुछ वेरी वाइड डिफरेंसेस बिटवीन कैट एंड जैट हो गए बट ज्यादा देर तक ना हम डिफरेंसेस पे नहीं चल सकते अब हमें थोड़ा कॉमन थिंग्स पे आना होगा कॉमन थिंग्स ये है कि अप्रोक्सीमेटली एक चीज और डिफरेंस है कि एग्जाम का लेंथ जो है ना वो आजकल डेफर करता है आजकल सिर्फ कैट टू आवर्स का होता है एंड जैड थ्री एंड हाफ आवर्स चला जाता है तो ये डिफरेंस काफी है ये आप मॉक लेते समय रियलाइज करोगे कि आपको किस तरह से अपने आपको सूट करना है but keeping that in mind we will always take the bigger bracket and bigger bracket here is of course the zat examination so if you practice to sit at one place constantly for three hours onwards now like today onwards if you start sitting for three hours on a stretch and start doing your questions or your practice you will habituate your body or you body no extra strain to sit in an examination for three and three and a half hours but aggaravki you, you know चंचल सा स्वभाव है आपका एनिया लाइक like, अरे नहीं अब तो बस थोड़ा पंद्रह मिनट ब्रेक लेकर आती हूँ ये फैसिलिटी या ये प्रिविलेज आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा और अगर आप अपने बॉडी को इस तरह का प्रिविलेज दे रखा है देन दैट इज गोइंग टू कॉज ट्रबल टू यू इन द एग्जामिनेशन डे तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके बारे में कभी किसी वीडियो में अलग से चर्चा करेंगे राइट नाउ लेट्स गेट डाउन टू हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड जैट टूगेदर विथ टर्म्स यू नो टेकिंग इन टर्म्स कि आपके पास कितना अप्रॉक्सीमेटली यू नो टाइम बचा है एंड आप उसमें दोनों का सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो सो आई जस्ट क्विकली टेक यू ओवर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स लाइक ओवरऑल एक चीज याद रखिएगा मैंने ये पहले भी कहा है अभी भी कह रही हूँ कि आपको फाइव हंड्रेड आवर्स की इनपुट तो देनी होगी इस फाइव हंड्रेड आवर्स के इनपुट में आपको कुछ आवर्स अपने प्रैक्टिस और अपने सेक्शनल्स you know, उसको डिवोट करना होगा और कुछ आर्स लर्निंग को डिवोट करना होगा सो आई वु यूज फाइव हंड्रेड आवर्स आई वेंट फॉर टू थर्टी फाइव आवर्स ऑफ प्योर लर्निंग एंड वेन आई से लर्निंग आई लर्न ऑल दी कॉन्सेप्ट अगर जैसे आप देख सकते हो कि मैंने अभी क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट वन पार्ट टू आपके सामने रखा है एरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम बेसिकली आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो दिस इज वेर आई यू नो

ताकि किसी दिन अगर कोई बफर हो गया कोई एमरजेंसी हो गया जिस वजह से आप नहीं पढ़ पाए और एनी सच थिंग लाइक दैट यूर एटलीस्ट इन रिवाइव लेटर आफ्टर टू डेज सो दे गेम राइट नाउ गईन इफ यू आर वर्किंग इवन इफ यू आर फ्रेशर इवन इफ यू आर रिपीट वॉट ए व केस बी अब टाइम आ गया कि आप सीरियस हो जाओ एंड ट्राई टू You know, कैट की हुई पढ़ाई आपको जैट में आई एफ टी में हर जगह काम आ जाए ओके सो मेक दिस फाउंडेशन रियल स्ट्रॉन्ग जैसे किसी भी बिल्डिंग के बनने से पहले उसके फाउंडेशन पे काफी टाइम स्पेंड किया जाता है तो आपको भी इन टू थर्टी फाइव आवर्स प्लस टू सिक्सटी फाइव आवर्स पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करके अच्छे से करना है ताकि ये वन ट्वेंटी डेज तक आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड हो जाए और राइट दिस इज वन थिंग एज आई एम शोइंग यू ऑन द्रीन दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर यू कैन मेक अ नोट ऑफ जिसपे आप हर दिन क्या कर सकते हो थ्री इंस टू वन के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो यानी कि आप थ्री आवर्स चीजों को समझने में लगा सकते हो और वन आवर प्रैक्टिस करने में कर सकते हो दिस इज नॉट आर्स आई एम स्पीकिंग दिस इज जस्ट रेशियो सो थर्टी मिनट्स अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसी टॉपिक से रिलेटेड टेन मिनट्स आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो इस तरह का चीज़ ऑल्सो देर इज वन मोर रेशियो विच आई फॉलो विच इज थ्री टू वन रेशियो फॉर कैट एंड दैट तो बहुत सारे ऐसे uh, भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि किसी एक एग्जाम को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं ये बोल के मेरा तो एम ही टिस्नेट क्रैक करना है या मेरा तो एम ही जैट क्रैक करना है थिंग्स लाइक दैट बट मैंने कैट का फॉर्म भरा है सो दैट इज क्वाइट यूजुअल सो इफ दैट इज द सेक प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई विच इज फर्स्ट प्राइमरी एग्जामिनेशन विच यू आर फोकसिंग ऑन देन योर सेकेंड एंड देन योर थर्ड बेस्ड ऑन दैट अभी के लिए थर्ड को आप पिक्चर से बाहर कर सकते हो एंड इन योर प्रिपरेशन फोकस इन द अगेन जहां अगर आपके लिए आपका है, तो sure आप अपने सेकेंड प्राइमरी को अपनी दीजिए और कैट अगर आपका प्राइमरी है तो आप उसको थ्री फोर्थ आराम से दीजिए टाइम शुड गो इन टू द प्राइमरी स्टडीज एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट एवरी डे शुड बी डिवोटेड तो जैसे मैं एक कॉमन एग्जाम्पल लेती हूँ बहुत लोगों के लिए ये सूट करेगा इसीलिए बोल रही हूँ कि इफ़ कैट इज योर प्राइमरी एग्जामिनेशन देन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर टाइम शुड गो इन स्टडिंग फॉर टॉपिक्स रिलेटेड टू जैट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर टाइम शुड गो स्पेसिफिकली स्टडिंग द टॉपिक रिलेटेड टू जैट अब चाहे वो डी एम हो या जैड स्पेसिफिक आर सीज हो या जैड स्पेसिफिक डी आई हो जो भी हो जैट स्पेसिफिक ही करना दिस इज वन थिंग विच विल हेल्प यू टू यू नो ब्रिज द गैप और फिर क्या होगा जैसे जैसे आप एग्जाम के बहुत यू you नो know, करीब आते चले जाओगे इफ़ यू वॉन्ट यू कैन रिड्यूस दिस टू टेन परसेंट एंड इंक्रीज दिस टू नाइंटी परसेंट so you can do that when you are 2 months away from the cat examination or 1 month away from the cat examination and jaise cat exam khatam ho jayega uske baad aap 100% time zat ko devote kar sakte ho ye ek ideal situation है but generally देखा जाता है कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है बीच के exams भी जैसे SNAP हो गया आई हो गया

एग्जामिनेशन को साथ लेके चल रहे हो तो आपको उनकी सिमिलरिटीज पर सबसे पहले वर्कआउट करना है और सिमिलर टॉपिक्स को सबसे पहले खत्म करना है एंड वंस दिमिलर टॉपिक्स गेट इन टू द डिफरेंशिएटेड टॉपिक तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दें डेफिनेटली बहुत सारा शेयर कर दें बिकॉज आई रियली वॉन्ट दैट पीपल गेट टू नो अबाउट क्रैक्स मोर एंड मोर दीज एफर्ट्स आर रियली टायरसम सॉरी बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक स्केड्यूल था एंड यू कैन अंडरस्टैंडा सी इज हेक्टिक वॉट लेवल ऑफ हेक्टिकन ओके सो Uh, thank you so much for your patience for waiting for the coming video, and also thank you so much for loving and supporting the channel like the way you are doing right now. If you're new to the channel, then please hit that subscribe button and also that bell icon because you get notified whenever I drop a new video. If you have any questions related to the examination, admission, or anything as such, feel free to drop it below in the comment section. And if there's any personal uh, data which you don't want to share in the comment section, you can DM me as well. थैंक यू सो मच एवरीवान ऑल द बेस्ट अच्छे से पढ़ाई करो और कहीं पर भी कोई जरूरत हो तो दास को याद कर लो थैंक यू सो मच